क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि आखिर ये मगरमच्छ इन बर्ड्स को क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि फिलहाल इसको इन बर्ड्स की मदद चाहिए। जब भी इन क्रोकोडाइल्स को ऐसी फ्री की डेंटल सर्विसेज चाहिए रहता है, तो ये अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन बर्ड्स की मदद से अपने दांतों को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करवा लेते हैं। ऑर्कास व्हेल्स समुद्र की दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर्स में से एक है, जो अपनी यूनिक लैंग्वेज और हंटिंग स्किल से जानी जाती है। और बस यही नहीं, चींटियां एक ऐसी क्रिएचर है जिन्हें किसी भी काम के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सब काम करना बखूबी जानती हैं, और ये हम इंसानों की तरह जॉब्स भी क्रिएट करती हैं। और ये सिर्फ आर्किटेक्चर और एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनकी महारत लड़ाई झगड़े में भी है। ये खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे कॉलोनी के फेवर में काम करती है। लेकिन फिर आता है एक ऐसा एनिमल जो इन चींटियों से भी अपना काम निकालना बखूबी जानता है। कौवे अपने आप को बहुत सारी चींटियों से इसलिए नहीं कटवाते क्योंकि उनको ऐसा करने में मजा आता हो, बल्कि ऐसा करके ये अपनी बॉडी और फेदर में मौजूद बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइट्स को दूर रखते हैं। और क्रोस की इंटेलिजेंस का लेवल लगभग एवरेज 7 इयर्स ओल्ड ह्यूमन की तरह होता है। क्रोस फैमिली कॉर्विट्स के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें क्रोस, रेवेंस, मैगपाइस, इन्हीं के जैसे दिखने वाले सभी करीबी रिश्तेदार शामिल होते हैं। इनकी इंटेलिजेंस का कंपैरिजन तो हम ह्यूमंस और मैमल से तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। लेकिन तब भी बर्ड्स किंगडम में ये कौवे अपनी इंटेलिजेंस के दम पर राज करते हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने सिंपल से क्रिएचर में भी इंटेलिजेंस इतने अलग लेवल तक इवॉल्व हो सकती है। कैलिडोनियन क्रोस अभी तक की सबसे इंटेलिजेंट क्रो स्पीशीज मानी गई है, और इन्हीं कैलिडोनियन क्रोस पर सालों से रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होते आ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले इस एलेक्स नाम के रिसर्चर ने कैलिडोनियन क्रोस के इंटेलिजेंस और बिहेवियर को स्टडी करना शुरू किया। इसने एक ऐसी कॉम्प्लेक्स पजल क्रिएट की जिसे सॉल्व करने के लिए कई छोटी छोटी इंडिविजुअल स्टेज से गुजरना पड़ता, और आज से पहले इतनी डिफिकल्ट पजल इसने किसी भी दूसरे परिंदों पर ट्राई नहीं की थी। और देखते ही देखते इस क्रो ने इतनी पेचीदा पजल को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर दिया। कौवे सिंपल फिजिक्स का इस्तेमाल करना जानते हैं, और इनमें एक अलग यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी मौजूद होती है। बचपन में जो हमने प्यासे कौवे वाली कहानी सुनी थी, वो कहानी ही नहीं बल्कि कुछ हद तक हकीकत है। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे कई सारी ऐसी क्लिप्स देखने मिली, जिसे देखने के बाद आप कभी भी इन क्रोस की इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करेंगे। एक फिशरमैन फिशिंग के दौरान अपनी फिशिंग रॉड को भूलकर चले जाता है, और जैसे ही इस रॉड पर कौवे की नजर पड़ती है, ये इसका इस्तेमाल बिल्कुल इंसानों जैसे करने लगता है ना अमेजिंग। और इस क्लिप में देखिए कैसे ये क्रो टर्की को बेवकूफ बनाकर आराम से जगह पर कब्जा कर लेता है। लेकिन इन सभी क्लिप्स में से मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली ये लगी। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्यों ये कौवा इस वॉर्म को परेशान कर रहा है, लेकिन इसका प्लान कुछ और ही था। ये जानता था वॉर्म गुस्से में आकर बाइट करेगी और इस कौवे का प्लान सक्सेस हो जाएगा। कौवे अपने लाइफ स्पैन में ज्यादा से ज्यादा वक्त सिर्फ दूसरे जानवरों की मदद से अपना फायदा हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और शायद ये कला वो हम इंसानों से ही सीखते हैं। इस क्लिप ने तो मेरा सर घुमा कर रख दिया था, जिसमें पहली नजर देखने में तो ये लगा कि इन कौओं को प्यास लगी है और ये बर्फ में छेद कर पानी तलाश कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ये हुआ, इन्होंने सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो दो मछलियों को पकड़ा, वो भी इतनी गजब की एंटिक टेक्निक से। फैक्ट ये भी है कि क्रोस इंसानों की शक्ल पहचानने की सलाहियत रखते हैं, और ये हम इंसानों की आवाज को भी मिमिक कर सकते हैं। और अगर आपने इनसे पंगा लिया तो ये आपसे खुन्नस रखकर पूरे झुंड की शक्ल में आपका जीना दुश्वार कर देंगे। कौओं का पसंदीदा औजार लकड़ी और पत्थर है, और इसकी मदद से ये अपने रोजमर्रा में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और ऐसी कई सारी और भी क्लिप्स इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें ये सिर्फ मजे के लिए दूसरे जानवरों को ट्रोल और बुली भी करते हुए नजर आए। चलिए अब इनकी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटीज हटकर इनके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को भी समझते हैं। हमेशा इन काले पोशाक वाले परिंदों को हमारे नजदीक गलत समझा जाता है, लेकिन इनका लाइफ बिहेवियर हम ह्यूमंस की तरह होता है, बल्कि हम इंसानों से भी बेहतर। जैसे हम इंसान अपनी जिंदगी किसी एक ही पार्टनर के साथ गुजार कर उसके साथ लाइफ टाइम लॉयल रहने की कोशिश करते हैं, ठीक ऐसा ही बिहेवियर इन कॉर्विट्स में भी देखा गया है। 2 साल इनकी मेच्योर लिमिट मानी जाती है, जिसके बाद ये अपने पसंदीदा मेट को ढूंढना शुरू करते हैं, और ये अपना साथी ढूंढने में काफी वक्त भी ले लेते हैं, और शायद यही कारण है कि इनके रिश्ते हम लोगों से भी मजबूत होते हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि ये मेटिंग से पहले इनकी लाइफ अपने माँ बाप साथ परिवार पर ही गुजरती है। और रिसर्च पर यह भी सामने आया है कि क्रोस अपने ब्लड रिलेशन को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जब भी किसी कौवे की डेथ होती है तो पूरी कम्युनिटी पहले इकट्ठा हो जाती है, इसमें बड़े से लेकर छोटे सभी उम्र के क्रोस शामिल रहते हैं, और पहले कौवे की मौत का कारण जाना जाता है। अगर इसकी मौत पर किसी दूसरे परिंदे का हाथ रहता है तो ये सभी कौवे अपने करीबी का बदला लिए बगैर नहीं मानते। इनके कुछ फ्यूनरल रिचुअल्स भी होते हैं, जिसमें ये क्रोस की डेड बॉडी को जमीन पर गड्ढा खोदकर दफना देते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ अनसुने वियर्ड फैक्ट्स इन कौवे की जिंदगी के बारे में।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से बहुत कुछ नया जानने मिला होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें TSK हिंदी।